किया जा रहा है, जिसमें विदेशी लोगों की टीम ने अनोखे अंदाज में ग्रामीणों को संगीतमय शिक्षा दी। हालांकि लोग अंग्रेजों के गाने को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इनके डांस को देखकर जमकर लुत्फ उठाया। बबीना के ग्राम मानपुर में आज जर्मन के विवा कॉन एक्वा संस्था की 10 सदस्यीय टीम द्वारा बबीना के मानपुर गांव में पानी संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान विदेशी समाज सेवियों ने भारत व जर्मन के अच्छे संबंध के बारे में भी लोगों को बताया। विदेशियों द्वारा अपने साथ लाए संगीत यंत्र की धुन पर नृत्य कर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही उन्होंने दीवारों पर पेंटिंग कर वृक्षारोपण के लिए लोगों से आह्वान किया। गांव के लोगों एवं प्रधान के द्वारा जर्मन नागरिकों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि यह अभियान 5 सितंबर तक बुंदेलखंड में चलेगा। यहां से अब वह इस अभियान को लेकर तालबेहट जाएंगे। आज मानपुर गांव में जर्मन के विवा कॉन एक्वा संस्था के 10 प्रतिनिधि यहां आए हैं, जो पूरी दुनिया में पानी के लिए संगीत का आयोजन करते हैं, और आज उनके जर्मन भारत अंतर संबंधों के अंतर्गत वो भारत में यात्रा में हैं। सौभाग्य से आज बुंदेलखंड में झांसी जिले के मानपुर गांव में हैं। ये बबीना ब्लॉक का गांव है, जहां पर वह है वो अपने वाद्य यंत्रों से जो संगीत के लिए पानी के लिए संगीत करते हैं उनको जनता के बीच में बजा रहे हैं। दीवार पर बाल पेंटिंग कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं और पानी बचाने का एक संदेश दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पानी की जंग में हम सब संग में सबको बचाने की इस मुहिम में लगे हुए हैं, सबके साथ जुड़े हुए हैं। आइए, आपको कैसा लगा आपके गांव में ये? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जो जल संस्था समिति जो महिलाओं ने कार्य किया है उसमें जो भागीदारी हमने भी की है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और जनता के हित का कार्य हो रहा है। जो तालाब में संरक्षण हो जाएगा, उसका विकास होगा, तो क्षेत्र में नाम होगा, जिले में पहले फर्स्ट मान पड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण अंग्रेजी भाषा की स्पीच और गाने को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस दल के लोगों के डांस को देखकर वे पूरा मनोरंजन ले रहे थे। बबीना से गोविंद यादव की रिपोर्ट।